सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने अडानी के लाखों करोड़ के घोटाले पर जिस प्रकार की टिप्पणी की है वो मोदी सरकार के ऊपर एक जोरदार तमाचा है। दरअसल मोदी सरकार अडानी के मामले में बंद लिफाफे में जानकारी देना चाहती थी। मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कहा हम पारदर्शिता चाहते हैं, जानकारी पूरे देश के सामने आनी चाहिए। लाखों करोड़ रुपए इस देश की जनता का डूब गया, लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। 6 फर्जी कंपनियां अकेले मॉरिशस में एक पते पर खोलकर 42,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में आया है। यह किसका पैसा है? यह आतंकवादियों का काला धन है या नरेंद्र मोदी जी के मित्रों का है, उनके मंत्रियों या अधिकारियों का है? यह कैसे पता चलेगा? अगर मोदी जी की सरकार उनकी सीबीआई, सेबी, एडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अगर सारे के सारे डिपार्टमेंट खामोश है, चुप है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो कैसे इस बात का पता चलेगा? मैं हृदय से आभारी हूं सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का, कि कम से कम इस वक्त में जब पूरी की पूरी मोदी जी की सरकार अपने मित्र अडानी को बचाने में लगी हुई है, वो उनके घोटालों की जांच कराने पर अड़े हुए हैं। मैं समझता हूं देर सवेर पूरा सच देश के सामने आएगा और मोदी जी कितना भी प्रयत्न कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, अडानी को बचा नहीं पाएंगे। अडानी ने इस देश की जनता के साथ धोखेबाजी की है, लाखों करोड़ का काला धन उसके भाई और उन्होंने मिलकर, अडानी और उसके भाई ने मिलकर विदेशों से हिंदुस्तान की अपनी कंपनी में लगाया है। इसकी जांच कौन करेगा? कैसे होगी इसकी जांच? दिन रात आप को चिंता सिर्फ विपक्ष के नेताओं का गर्दन दबाने की रहती है। कभी मनीष सिसोदिया पे छापे, कभी किसी पे छापे, कभी किसी पे छापे। एक तरफ लाखों करोड़ का घोटाला करने वाला अडानी है जिसके खिलाफ मोदी जी कोई कार्रवाई नहीं करते, एक तरफ लाखों बच्चों का भविष्य बनाने वाले मनीष सिसोदिया हैं जिनके ऊपर रोज सीबीआई के छापे पड़ते हैं, रोज उनको सीबीआई